हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं वो टॉप रिएक्शन जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, और वही रिएक्शन डायरेक्टली कभी कभी प्रोडक्ट देख के उनके नेम पूछ लिए जाते हैं। तो ये रिएक्शन को देखते हैं कि कौन सी टॉप रिएक्शन 25 रिएक्शन जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में रिपीट हुई है। तो आपको देखते हैं, नंबर वन रिएक्शन इज द फिंगरस्टिंग रिएक्शन। तो आपको ये भी ध्यान से समझना है रिएक्शन के साथ साथ कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इट विल फॉलो द एसेंट टू मैकेनिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन इसी की बहन है, दैट इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम है ना कोलन मेटल फ्लोराइड यूज करते हैं और एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज Swartz, this is also follow the ascent to mechanisms. Number 3, diazotization, most popular reactions, जहाँ पे हम amine से diazonium salt का formation करते हैं, this is one of the most popular chemical reactions. Fourth reaction की बात करते हैं, that is the Sandmeyer reactions. तो Sandmeyer reactions में क्या होता है बच्चों, कि diazonium salt की reactions, जब हम cuprous बना, cuprous salt के साथ करते हैं, जैसे Cu2Br2 हो गया यहाँ पे, okay, Cu2Br2 हो गया, या Cu2Cl2 हो गया, तो cuprous salt के साथ, salt का मतलब होता है sand, इसीलिए रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शंस। लेकिन जब यही रिएक्शंस मेटल के साथ कराई जाती है बच्चों, मेटल है ना क्यूप्रस सोल्ट ना यूज करके, तो प्रीवियस में क्या था, क्यूप्रस सोल्ट हमने यूज किया था, दैट इज सोल्ट का मतलब होता है सैंड, तो इसलिए सैंडमेयर रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन से गैटरमैन्स, डायरेक्टली एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन है गैटरमैन्स। तो यहां पे सिर्फ कॉपर मेटल्स यूज किया जाता है ना, पाउडर की जगह कॉपर मेटल, तो दैट्स विल बी द गैटरमैन रिएक्शंस। Number 6, that is the, from the most popular reaction, that is the Riemer-Thiemann reactions. Riemer-Thiemann reaction, this is one of the most important reactions of phenol, जहाँ पे carbene का formation भी होता है। This reactions को आपको ध्यान रखना है, this will be the major product, ना, पैरा पे भी आता है बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन इज कोलबे-स्मिथ। कोलबे-स्मिथ क्या होगा बच्चों, अब बेसिक मीडियम में CO2 के साथ, तो फाइनली क्या कराते हैं इसमें, हाइड्रोलिसिस और करा देते हैं एसिडिक मीडियम के साथ, ओके, तो फाइनली क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, आपको ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आ जाता है। Yes, carbylamine reactions, amine की reactions, है ना? तो यही reagent most popular है ना, chloroform के साथ, जो कि Riemer-Thiemann reaction का reagent है, तो यहाँ पे 1 degree amines को, या हम कह सकते primary aliphatic amines को किस में convert होगा? Amines convert होगा, isocyanide का formation होगा, foul smelling compound है ना? Now next reaction, Wood's reactions, Wood's is highly popular, demanding में रहते हैं हमेशा Wood's, तो सिर्फ sodium के साथ जब reactions करते हैं alkyl halide की, तो यहाँ पे formation किसका होता है? Alkane का formation होता है। Wood's के बाद में phytic reactions, जब हम दो unit एराइल हैलाइड की यूज करते हैं, ओके, सोडियम ड्राई इथर, तो दोनों मोल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, दैट इज द फिटिक रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन वुड्स फिटिक, तो वुड्स में क्या था, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को जब हम सोडियम ड्राई इथर में यूज करते हैं, नाउ वुड्स फिटिक। नेक्स्ट रिएक्शन विल बी द फ्रिडलक्राफ्ट, मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन फ्रिडलक्राफ्ट, दिस इज कॉल्ड द फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर जेड बॉन्ड्स आल्सो। Now, Gaterman-Scotch reactions का आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में Gaterman-Scotch reactions रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे HCl के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप को डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन होता है, दैट इज इटार्स। इटार्स का रिएजेंट आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम से पूछा जाता है, बताइए भाई मैच करिए, बेंजल्डिहाइड टोलिन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो ना क्रोमिल क्लोराइड हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, तो इटार्स इटार्स रिएक्शंस। रोजेमंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिएक्शंस फॉर मेंस और एडवांस आल्सो। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, बेरियम सल्फेट की इंप्योरिटी हम यूज करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, तो रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन ना होकर रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही रुक जाता है। स्टीफन रिडक्शन में हम यूज करते हैं बच्चों स्टेनिक क्लोराइड, है ना, स्टेनिक क्लोराइड यूज करते हैं, ओके, सॉरी है ना, वी विल यूज नॉट स्टेनिक, स्टेनस यूज करते हैं, और यहां पे फॉर्मेशन किसका होता है, साइनाइड से एल्डिहाइड के फॉर्मेशन। क्लीमेंसन इज द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन, एल्केन का फॉर्मेशन कीटोन्स है ना, ZnHgCl आपको ध्यान रखना है, और एक और रिएक्शन होती है क्लीमेंसन के जैसे ही सिमिलर टाइप की रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द वोल्फ-किस्नार रिडक्शन, ओके, हाइड्रोक्सिल है ना, हाइड्रोजन यहां पे हम यूज करते हैं, है ना, कीटोन का अगर हमें एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो। Now next one of the most favorite reactions is the aldol reactions. तो aldol reactions में हम क्या use करते हैं कि aldehyde और ketone ना, aldehyde ketone जिसके पास alpha hydrogen है और base की presence में जब हम reactions करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, alpha beta unsaturated ketone या carbonyl compound का formation हो जाता है aldol. केनिजारो आपको पता है कि no alpha hydrogen. Last reactions में हम यहाँ पे use करते थे at least alpha hydrogen होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, no alpha H. तो no alpha H, और यहाँ पे कौन सा concentrated KOH यूज करते हैं बच्चों, तो वहां पे क्या होगा, एक मोल का ऑक्सीडेशन हो गए उसका सोल्ट बन जाएगा एसिड का सोल्ट, और दूसरे मोल का यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। 21 reactions है ना, next reaction की बात करें तो next reactions will be बच्चों ना 21 will be, this is ना haloform reactions, तो haloform reactions में क्या use करते हैं, haloform reactions हो गया, तो X की जगह iodine अगर आप लोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, that is iodoform, या इस reagent को दूसरी तरह से भी लिखा जाता है base NaOH plus X2 वाली form में, है ना, तो haloform reactions में क्या करते हैं, okay, तो अल्फा है ना ये कीटोन यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, इसको ब्रेक कर दो, उसका सोल्ट बना दो, एसिड का सोल्ट बना दोगे तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल कीटोन का होना जरूरी है haloform reactions में। नेक्स्ट वन इज द होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अमाइड से आपका अमीन्स का फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो बेसिकली अमाइड वाले ग्रुप को आप गायब कर सकते हो, डायरेक्टली अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। नाउ सेकंड लास्ट रिएक्शन HBZ रिएक्शंस, HBZ रिएक्शंस में क्या होता है, डायरेक्टली रिएक्शंस एग्जाम में डायरेक्टली प्रोडक्ट मेंस और एडवांस में पूछा जाता है, तो अल्फा पोजीशन पे आपको क्या करना होता है, हैलोजिनेशन करना होता है बच्चों, तो यहां बस डायरेक्टली दिस इज ना, तो इस रिएक्शंस को जरूर से ध्यान रखना।
Now, last reaction is the Kolbe's electrolysis, जो alkane के अंदर भी आप देखते हो, तो acid के salt की reaction जब हम electrolysis करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Alkane का formation हो जाता है. So, these are the most repetitive reactions, और इनके directly product आपको याद होने चाहिए. अगर देखो, अगर मैं रेस्ट कुछ reactions की बात करूँ, जैसे HBZ reactions, Hopman bromamide, aldol के ना, haloform हो गया, Kenizaro, इनका mechanism समझने के बाद, आप इनके directly product बना सकते हो, ना, without using the mechanisms also. तो hopefully, ये reactions को आपको जरूर से already याद होगी. अगर याद नहीं है, तो इनको जरूर से समझना आपको, और यही मोस्ट रिपीटेटिव रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. और अगर आपको और भी डिटेल में अगर क्विकली चीजों को समराइज करना है और अच्छे से है ना इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पढ़ना है, तो आप है ना जरूर से जीवन प्लस बेच में आके अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं. एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्रॉपर प्लान के साथ यहाँ पे क्लासेस लेक्चर्स को देख सकते हैं. अच्छे से सवाल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो. रैंक बूस्टिंग क्लासेस आपको यहाँ पे जीवन प्लस में और जीवन बेच का फुली एक्सेस आपको मिलता है. और प्रिडिक्टेड टेस्ट पेपर सब कुछ जो अपकमिंग टाइम जितना भी बचा हुआ है अगर उसमें आप ना रेगुलरली सेशंस को फॉलो करोगे, जो टॉपिक्स वीक है वो भी आप देख सकते हैं, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस काफी बूस्ट हो जाएगी. या रैंक बूस्टिंग क्लासेस देख लो अगर आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी है, तो उससे भी है ना तो आपका काफी टाइम बच जाएगा. और जिन्होंने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, डिटेल में कोई वीक है, तो यहाँ पे आपको जीवन बेच का पूरा एक्सेस मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा आपको कोई भी रेफरेंस बुक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रिक्टली ये लेक्चर्स अगर आप फॉलो करते हो तो. दिस इज और 11th वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए जीनियस प्लस है ना, जीनियस प्लस बेच जो है वहां पे भी रैंक बूस्टिंग क्लासेस है जिनको 11th को स्ट्रॉन्ग करना है और 12th में फिर फोड़ना है. तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए ना. तो यस बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय एंड लव यू ऑल.